बेअंत को बिरला जाने बिरला जाने कोट कोटी मेरी यार जा पवन पीन अब आओ चंद सूरज दोए गुफे न देखा सपने सावन न खाओ कीमत ना पवे आगे वड़े आखाना तू बेअंत कोविर जान साचा निरंकार निज छा सुन सुन आखन आपना जे पावे करे तुमा कुसा कटिया वार वार पीसन पीसा पाए अग्गी छेती जानिया पसम छेती तेरी कीमत ना पवे केवट आखाना तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पहचान जे भवा सह आसमानी जा नजरी किसे नया ना कुछ पिया ना खा तेरी कीमत ना पवे केवल आखाना नानक कागन लखमणा पढ़ पढ़ की जय बहाओ मसूत नया बनी लेखन पवन चलाओ वीर सत समुंदर मस करो कलम करो बन राय सात समुंदर मस करो कलम करो बदरार कलम करो बदरार नानक कागद लखमण पढ़ पढ़ की जय भाओ मसूर तोट नया वही लेखन पवन चला एक अरदास पाठ कीर्त की
सेवक की अरदास प्यारी, एक अरदास पाठ कीर्तन की, गुरु रामदास रखो शरणा, एक अरदास पाठ कीर्तन की, गुरु रामदास रखो शरणा। सेवक की अरदास प्यारे, तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड साथ दे, कौ नानक सब तेरी बड़ियाई, कोई नाम न जाने तेरा। सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे, अरदास प्यारे। ऐ ती अरदास बरबखरी किसान, साडियां अरदासां नालों बिल्कुल बखरी। ये पावन बचन मेरे गुरुदेव धन गुरु अर्जन साहिब जी का, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 563 पन्ने उत्ते बढ़ंस राग विच अंकित है, जो लड़ी बार आप जी नाल विचार करता तुरिया आ रहा। सो मैं बेनती कर रहा सा, अरदास है पर वखरे किस्म दी। साडियां अरदासां सानू सारियां नू पता किदां दियां ने, असीं अपने किसे दायरे विच ही अपना जीवन बतीत करदे आं, उस तो बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। मेरे गुरदेव पातशाह जी ने जो बचन उच्चारण किया, मैं एक पंक्ति तुहानू पढ़ के सुनाई है, भट कीरत जी दी, पटां दे सुइयां अंदर गुरु रामदास पातशाह जी दी उस्तत करदे ने, तियों भी अरदास करदे ने गुरु होगी। ते हुणे थोड़ी देर बाद अद्धे घंटे बाद असां भी करनी है, अब आपां मिल के तुरीए अपनी अरदास नूं, अरदास करदे ने गुरु अग्गे ते आखदे ने, कहंदे ने, एक अरदास पाठ कीरत की। उस अरदास विच की मंगिया, गुरु रामदास राखो शरणा। मालक जी मेनू अपनी शरण च रख लै, साडियां अपने किस्म दियां मंगां ने, पर जिन्हां नूं मंगण की जांच आ गई वह आ के गुरु को आ मंगते। मंगण तो पहला वो अवस्था भी बयान करते ने, जिस अवस्था विच जड़ी हालत विच बंदा तुरिया खड़ता है ना, असी अपनी चंगियाई नूं ते प्रगट करना चाहते हैं सब के सामने। साड़ी चंगियाई साढ़े कोई गुण हो गए, असं चाहते हैं दुनिया को पता लगे, सब नू पता लगे, सारे थाई अनाउंसमेंटा करो इस दिया, सब थाई उसकी लोग जय जयकार करन, या देखो जी कितना वधिया सिख है। पर जे साडे विच कुछ औगुण हो गए, असं उन्हों की करते हैं, लुकाण की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, भी किसी को पता न लग जाए।
पर जो अरदास करनी है गुरु अगे तो सतगुरु पातशाह जी के इस पवित्र वचन वाले पासे ध्यान दे शुरू कितों करते हैं, वो शुरू करते ने अपने औगुणा तो। भगती की आखते ने कहते ने हाव अवगुण भरे एक गुण नाही, ऐसे शुरू किया। अखीर ते अरदास की है, पर अरदास तो पहला अपने हालात बयान किए भी मैं कहो जहा, मैं कि दुनिया च रह रहा, मेरा संसार कहो जहा, मेरा जीवन कहो जहा, मैं किस तरह के नाल अपना वर्ताव किया हो। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी दे अगे हाथ जोड़ के अरदास करते ने कहते ने हम अवगुण भरे, कहते ने कोई तो गुण होएगा तेरे विच भला, कहता नहीं जी एक भी नहीं, सारे ही अवगुण, कोई भी गुण नहीं, हम अवगुण भरे एक गुण ना। जी क्यों, की कारण हो गया, ये अवगुण कितों आ गए, किस कारण करके इन्हों अवगुणा ने तेरे घर च डेरा ला लिया है, ये अवगुणा को किवें थां मिल गई। अगली पंक्ति इस पवित्र शब्द की पढ़ियो, वो कहते हैं जी इस करके अमृत छड़ बैठा, मालिक का अमृत छड़ बैठा, इस करके विखिया मिठी लगन लग पी है, अमृत कौड़ा लगन लग पी है, अमृत कौड़ा विखिया मीठी, साकत की बिद नैनो मीठी, कहते ने अखा नाल आई कुछ वेखण नजर आ रहे हैं। हम अवगुण भरे एक गुण ना ही, तो इस करके क्यों गुण क्यों नहीं हो सके, क्यों गुण क्यों नहीं आ सके, क्यों गुणा तो बन जा रहा है। कहते अमृत छाड़ विखिया विखा ही, विखिया की सी माया मोह भरम भै भूले आ सारिया चीजा कर दिखा, इन्हों सारिया चीजा की जिस वक्त तो तुम लिस्ट सामने किसी वेले ध्यान मार के वेखना आराम न, एक अवगुणी मनुख के जीवन न अगे नहीं तुरन देता। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहते हैं जिथे इतने प्रकार की चीजा इकट्ठिया हो जाने दे मनुख की हालत जी है वह खस्ता हो जाती है। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहते माया मोह भरम भै भूले, तो की कर रहे हैं, कितने को अलझे हुए हैं, कितने को रुके हुए हैं, कितने को खड़े हाँ, सुध दारा पै प्रीत लगा। हूं इस उलझन विचों निकलने वास्ते कोई जगह तो चाहिए है ना, किथे जाइए। जै मैं किसी मुश्किल में आ गया तो मैंने उस मुश्किल का हल करने वास्ते वाहेगुरु ना करे किसी को कोई मुश्किल ना आवे, पर जे कोई मुश्किल किसी को बढ़ जाए जिहड़ी अपने आप वो मनुख हल ना कर सकता हो, अपने वसों बाहर हो, फिर की करता बंदा, वकील को जाता है, आ मेरा केस है, इस केस की तू पैरवी कर ताकि मैं इस विचों अपना छुटकारा कर सकता। सतगुरु जी ने बाणी अंदर गुरु नूं बसीच आखिया, बसीच बसीच दे अर्थ ने विचोला, जेड़ा साडे केस नूं रिप्रेजेंट करे, जिहनूं वकील आखदे ने। ये आख्या कहन लगे सत्संगत विच चला जा, माया मोह भरम पै भूले की जी कहानी है जे
इस तू बचना चाहते तो होर कोई रस्ता है नहीं। जो कोई होर रस्ता दस दौ किसी होर रस्ते इधर उधर की लंघ जा मैं असं कितने ट्रैफिक च फस जाइए तो कोशिश करी इधरों लंघ जा इधरों लंघ जा। सतगुरु गरीबन वाज पातशाह जी ने एक बचन आख्या जे ध्यान नाल सुनिए जरा कहिंदे ने खोजत खोजत सुनी ए सोए कहिंदे ने खोजदिया 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 आ गल कन्न विच पई आवाज कन्न विच आई यो कड़ी सी कहिंदे ने साध सकत बिन तरिया ना कोई। इस करके अगली पंक्ति इस पवित्र शब्द की पढ़ ली सतगुरु ग्रीमल वाज पातशाह जी फरमान करते ने कहते ने एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। एक ऐसा रस्ता भी सुनिया एक ऐसा थां भी सुनिया एक ऐसी जगह भी सुनी है जिन्हों उत्तम पंथ आखिया उत्तम पंथ इहदा मतलब है होर भी रस्ते बड़े होणगे बड़े रस्ते ने होर भी मेरा ख्याल है श्री राग विच शायद 71 पन्ने उते एक पवित्र शब्द है 9 प्रकार की भगती का उते जिक्र किया गया है। भगत नवे प्रकार 9 प्रकार की भगती का तकरीबन बाज पातशाह जी फरमान करते ने कहते ने उन्हें 9 प्रकार की भगती वादिया ने किसी टिकाने से पहुंचने की गल नहीं की पर गुरु साहब कह रहे हैं कहते हैं खोजत खोजत सुनी ए सोए साध संगत बिन तरिया ना कोए। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने हजूरी में आके भट पीर जी कहते हैं मालिक जी एक सुनिया जी की सुनिया एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जब त्रास मिटाई। जमा दी त्रास मिट गई त्रास होता है चिंता फिकर झोरा मालिक जी इन्हों का जिन्ना झोरा सी जिन्ना दुख सी जिन्नी मैनू इन्हों का डर सी वह सब मुक गया इसलिए मैं थोड़ी शरण च आया एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई ते एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रघु शरणाई हूँ असं अपनी अरदास मिल के वेखिए जरा साड़ी अरदास किसे है की कहती है कि गुरु अगे ये अरदास जिसने भी की है ये की आख रही है तो सतगुरु ग्रीबन वाज पातशाह जी कहते हैं सेवक की अरदास प्यारे मेरी अरदास है मालिक जी थोड़े चरणा अंदर वो अरदास किस तरह की है की मंग कर रही है अरदास मालिक जी मैं जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे मालिक जी मैं थोड़ी याद को अपने हिरदे विचों बाहर नहीं कर सकता मेरी ये अवस्था मैनू दियो तां कि थोड़ी याद चरणा नू जपण दा अर्थ इहो है भी मालिक जी थोड़ी याद मेरे हिरदे विचों पासे दी होनी चाहिए। इस करके मैं थोड़े कोल अरदास कर ले आया ते अरदास इस आस नाल कर रहा एक होंदा बंदा कितने जांदा है अपनी विथया अपनी बेनती अपनी जो मन की अवस्था है जो मन की वेदना है जो उसनों चाहिए किसी अगर जाके रिक्वेस्ट करता है बेनती करता है भी मेरा आ कम है पर उसनों कई बारी ऐसा यकीन होंदा है कई बारी नहीं होंदा वो बेयकीना जिहा अध विचाले जिहा तुरिया फिरदा सोचता पता नहीं मेरी गल इसनों चंगी लगेगी कि नहीं लगेगी मनेगा कि नहीं मनेगा या फिर ये कर सकता कि नहीं कर सकता या इसके कोल इतनी समर्था है या नहीं है ये सारिया गल्ला बंदा अपने मन में भन तोड़ सब करता तुरिया जाता। भाई साहब भाई गुरदास जी ने
एक वचन सुदामे अते कृष्ण जी के बारे लिखे, जसवंत सुदामा अपने घरों अपनी धर्म पत्नी के कहण उत्ते भी धर्म पत्नी ने जोर लाया भी तू बड़िया गल्लां करदा है भी असी संदीपन गुरु दे कोल मैं ते कृष्ण जी असी कठे पढ़दे हुंदे सां, कठे विद्यार्थी सां। हुण भी तुसी वेखदे होवोगे जिन्हां नाल तुसी पढ़े हो अपने जीवन में तुसी ध्यान मार के वेखो कि किते ना किते तुहानूं कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जिहड़ा ओह किसे ना किसे रुतबे दे उत्ते होवेगा, असी उहदे नालों काफ़ी दूर दुराडे खलोते हाँ अपने थां उत्ते, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ, ਖੇੜੇ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਤੋੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਝੁੱਗੀ ਪਈ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਜਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਥਾਂ ਟਿਪ ਟਿਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੁਛ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਕਰਵਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸਕਾਂ? ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਗਾ ਟਟੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟਟੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਫੋਲ ਮਾਰੇ, ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਲੱਭ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਵੱਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਲੈ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਬਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਲੈ ਜਾ, ਇਹੋ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇਗਾ? ਇੱਕੋ ਬੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਗਣਦਾ ਗੀਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕੌਣ ਬਣਾ ਲੈ? ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਇਸੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੌਣ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੋੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਉਹ ਪਛਾਣਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਗਣਦਾ ਗੀਟੀਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਚਲੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਨ ਬਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸ ਹਾਸਲ ਆਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਆਸਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਖਿਆਲਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੋਬੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਆਲ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲ ਜਿਸ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤਿੰਨ ਹੈ ਤੁਮ ਜਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸੇ ਜਨਾਬ ਤਿੰਨੇ ਤੁਮ ਜਾਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਤ ਉਤ ਦੇਖੋ ਓਟ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਅਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣਗੇ ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਗਦਾ ਮਾਰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣਾਗਾਰ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਗੁਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਗੁਣਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਅੰਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਰੀਬਨ ਬਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਦੇਖ ਮਨ ਲਾਤਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਗਣਦਾ ਚੱਲਿਆ ਗਣਦਾ ਗੀਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਹੈ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਔਰ ਐਸੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਕੋਈ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ Yeah.
भगती करीब करीब तुहानू सारे नू याद हो गई होगी, बहुती औखी तो नहीं, ते बहुते लंबे चौड़े अखर भी नहीं। इस करके मैं चाहवांगा भी सारे मिलकर इस भगति नू पढ़न की कोशिश करो। सेवक की अरदास प्यारे चार ही अखर, सारे की बालता करना जो कोई असना खाली ना रहे। सेवक की अरदास प्यारे जप जी मात्र चरण सारे पढ़ो जी। सेवक की अरदास प्यारे जप जी मात्र चरण जप जी मात्र चरण बेअंत शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी विच अंकित ने। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी प्रमाण करते ने तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब ते तुम ठाकर तुम पै अरदास। बहुत शब्द ने सतगुरु जी कृपालता करन असी उन्हें शब्दों विचों गुरु अगे अरदास करन दी जाच सीख सकी है ताकि साढ़े जीवन दे विच तब्दीली आ सके अते जीवन दे विच, क्योंकि चेंज बड़ी जरूरी है, तब्दीली बड़ी जरूरी है। जे बच्चा छोटा जिहा तुरिया जांदा दो साल तो बाद वो कितने वधना उहदी हाइट बदली शुरू होती है हौली हौली, तो दो साल तो बाद अगे ना बदल दी हाई। माता पिता को चिंता तो होती है ना कि आ की हो गया बच्चा, प्रफुल्लित क्यों नहीं हो रहा बच्चा। किशोर अवस्था जाता है, युवा अवस्था जाता है, इसे तरह के नाल जीवन के अंदर रोज रोज उसके कुछ ना कुछ चलदिया जीवन के उस पड़ा से भी आ जाते हैं जिथे आके किसी की मदद मंगनी पैंदी है, हाथ फड़ जरा मेरा इतने चेंज हो गई है। तो सब कुछ सारिया सानू प्रवान ने, असी किसी भी चेंज तो असी मुनकर नहीं हो सकते ना ही होते हैं, पर जीवन में जिदा असी चल रहे हैं, जिदा असी सोच रहे हैं, जिस तरह असी तुर रहे हैं, उसे कुछ चेंज नहीं करना चाहते। यह चीज साढ़े तुरे ही आंदा पिछों, पता नहीं वह पता नहीं तोड़न वाला कौन सी बेचारे ने कितना तोरिया, ये सानू नहीं पता होंगे। ये चीज साड़ी रीत तुरी आती है, मैं नहीं कहना भी वह रीत जिन्हें तोरी है वह कोई गलत बंदा होगा, हो सकता उस वक्त की कोई मजबूरी हो, उस वक्त का कोई उन्होंने को साधन उन्होंने उ लग्या हो, उही चीज उन्होंने प्राप्त हुई हो, बड़ी चंगी गल है। पर जे वो उस तो बाद उसकी हुण लोड़ है नहीं तो फिर दे सानी सोचन की लोड़ पवेगी ना भी असी असी इसनों लैके अगे तुर रहे हैं तो ये निकल की रहे हैं। इस करके गरीबन वाज पातशाह जी कहते हैं
असी अपने जीवन गुरबाणी तो गुरबाणी की सेध लैके एक ध्यान रखना गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी तो सेध लैके असी अपने जीवन के जो कुछ असी करते हैं जो कुछ असी सुनते बनाते जो कुछ भी है उसके विच सुधाई करनी बड़ी जरूरी है। इस करके वक्त वक्त उसकी सुधाई करते रहिए अते नाल दी नाल अपने विचों हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ विखे विख खाई। इस नूं असी कोशिश करिए भी अवगुण जिहड़े ने ना ये भी दूर होंदे जाण। सो इदां ही होणगे जे असी गुरबाणी नूं ध्यान नाल पढ़ांगे ध्यान नाल सुणांगे ध्यान नाल इस नूं विचारांगे गुरु कृपालता करे इहदा आशीर्वाद प्राप्त कर लईए। मैं सरदार गुरु तेज सिंह जी मेरे तो पहला अपने छोटे बच्चे दे नाल ज्ञान सिंह उन्हां दा बेटा अते उन्हां दी बेटी नाल बैठी सी गुरमन कौर नाम जी हाँ जी गुरमन कौर बच्ची जी खड़े होण जी जरा पते बुलाओ सारे जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुहानू इन्हां दे शब्द कीर्तन सुनाया सी जिहड़े जिन्हां ने मिस कीता है वह दुबारा आयो सुनने वास्ते फिर किसी वेले बाद विच आउणगे फिर। सो मैं बेनती करांगा कि इन्हां ने मेरे तो पहला शब्द कीर्तन बच्चे ने तंती साध उत्ते शब्द कीर्तन कीता है गुरमुख प्यारे सरदार गुरु तेज सिंह जी ये तबले के बड़े गुड़ी बंदे ने और ये किसी ने इन्हों को कुछ कोई क्लास लैनी हो या होर तंती साज की क्लास लैनी हो पिता जी बड़े बहुत गुणी सज्जन ने सो आप इन्हों का संपर्क कर सकते हो नंबर आप जी इन्हों को बाद में लैना जे ना मेल होना तो मेरे को भी नंबर है मैं भी तुम दे सकता बाद में शुभाप जी कृपालता करके मैं धनवाद करता बच्चे सतगुर पातशाह जी सदा शीस प्राप्त रहे गुरबाणी नाल जुड़े रहो अते गुरु की यह दात हमेशा वास्ते तुहाडी झोली विच पई रहे सदा खुशियां माणो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की।